Hello friends, this is Suryadeep. Today we are going to discuss why the starting index of an array is 0. Guys, ये एक ऐसा question है जो हर student के मन में आता है जब वो arrays को पढ़ता है कि जब हम printf percentage d a 0 करते हैं तो हमें हमारी array का first element ही क्यों मिलता है? For example, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने इंटीजर टाइप एरे ली जिसका साइज 3 रखा और उसमें वैल्यूज रखी 1, 2 एंड 3. फिर हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ARR 0. So guys, जब हम इसे run करेंगे, तो हमें हमेशा array की first value मिलती है. अब इसे run करते हैं. आप देख रहे होंगे, answer आया 1. That is first value of an array. इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. फर्स्ट, एम्परसेंड. ये ऑपरेटर हमें किसी भी वैल्यू के एड्रेस को बताता है. फॉर एग्जांपल, हमने अपने प्रोग्राम में लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड एआरआर. सो गाइस, अब हमें अपनी एरे का बेस एड्रेस मिलना चाहिए. This is the base address of an array. As you see, ये address वो address है जहाँ हमारी array start हुई है. Guys, अगर हम नीचे statement में लिखें printf percentage d comma arr, तो भी हमें वो ही answer मिलेगा जो हमें पहले मिला था, base address of an array. जब इसे हम रन करेंगे तो आप देख रहे होंगे मैंने स्लैशन नहीं लगाया, जीरो के बाद वही एड्रेस है. इसमें स्लैशन लगा देते हैं. अब आप देखिए सेम एड्रेस आया, दैट इज बेस एड्रेस ऑफ एन एरे. नाउ The conclusion is, चाहे हम printf percentage d comma ampersand arr लिखें या printf percentage d comma arrs, दोनों से ही हमें base address of an array मिलती है. अब हम second operator को समझते हैं, asterisk. This operator gives the value which is present at the address. मतलब वो value जो उस address पर present है. For example, अब हमने लिखा printf percentage d comma star arr. Now this statement gives the value which is present at base address और वो है 1. मतलब इस स्टार की हेल्प से हमें एक वैल्यू मिली जो एरे के बेस एड्रेस पर थी. अब हम इसे रन करते हैं. पहले आप प्रोग्राम को ध्यान से देख लें. आंसर इज 1. मतलब पहली वैल्यू जो बेस एड्रेस पर प्रेजेंट है. गाइस, अगर हम इधर प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एस्ट्रिस्क प्लस
1 करें तो हमें सेकंड वैल्यू मिलनी चाहिए अपने एरे की। डेट इज 1 एंड 2, पहले वाले की वजह से आया 1 एंड सेकंड वाले की वजह से आया 2। गाइस सबसे पहले हमने लिखा था प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्टार ए आर आर, जिसकी हेल्प से हमें अपनी एरे की फर्स्ट वैल्यू मिली थी। और जब हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा स्टार एरे प्लस 1, तो हमें सेकंड वैल्यू मिली। ये हुआ कैसे? ए आर आर मतलब बेस एड्रेस ऑफ एरे, प्लस 1 की वजह से बेस एड्रेस में 2 बाइट्स ऐड हुई। इधर 2 बाइट्स इस वजह से ऐड हुई बिकॉज हमने इंटीजर टाइप एरे लिए। अगर हम फ्लोट टाइप एरे लेते तो बेस एड्रेस में 4 बाइट्स ऐड होती। अगर हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट कराते स्टार ए आर आर प्लस 2, तो हमें अपने एरे की थर्ड वैल्यू मिलती, मींस बेस एड्रेस में 4 बाइट्स ऐड होते। गाइस अब अपने टॉपिक पर आते हैं, डेट इज जब हम प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए 0 लिखते हैं तो हमें अपने एरे की फर्स्ट वैल्यू ही क्यों मिलती है। दिस इज बिकॉज हमारा कंपाइलर ए 0 को स्टार ए प्लस 0 के फॉर्म में सॉल्व करता है। स्टार मींस वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मींस बेस एड्रेस प्लस 0 बाइट्स को ऐड करने पर एक एड्रेस आएगा। तो वो वैल्यू जो इस एड्रेस पर प्रेजेंट है वो एज अ आउटपुट आएगी। और हम जानते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा स्टार ए आर आर लिखा था तो हमें फर्स्ट वैल्यू मिली थी। यही लॉजिक है कि जब हम प्रिंट एफ ए आर आर 0 लिखते हैं तो हमें फर्स्ट वैल्यू मिलती है, और जब हम ए 1 प्रिंट कराते हैं तो हमारा कंपाइलर इस ए 1 को स्टार ए आर आर प्लस 1 के फॉर्म में सॉल्व करता है, और इस वजह से हमें एरे की सेकंड वैल्यू मिलती है। थर्ड, जब हम ए आर आर 2 लिखते हैं तो हमारा कंपाइलर इसे स्टार ए आर आर प्लस 2 के फॉर्म में सॉल्व करता है। इसका क्या मतलब है ए आर आर प्लस 2 का? एरे के बेस एड्रेस में 4 बाइट्स ऐड हों और जो आंसर है वो मिले उस एड्रेस पर, इस वजह से हमें आंसर 3 मिला। अब हम आते हैं प्रूफ पे। जैसे कि यहां लिखा है स्टार ए आर आर प्लस आई इक्वल्स टू स्टार आई प्लस ए आर आर, बिल्कुल वैसे ही 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, ये बिल्कुल सही है। प्रूफ के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमारा कंपाइलर ए आर आर ब्रैकेट में आई को ए आर आर प्लस आई के फॉर्म में सॉल्व करता है, मींस स्टार ए आर आर प्लस आई के फॉर्म में सॉल्व करता है, तो अगर हम लिखें प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा आई ए आर आर तो भी आंसर सेम आना चाहिए एज पर दिस। अब हम अपने सिस्टम पर रन करते हैं। मीन्स हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए आर आर 2, मीन्स थर्ड वैल्यू ऑफ एन एरे, डेट इज 3। और अगर हम लिखें यहीं 2 ब्रैकेट में ए आर आर तो भी हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अब इसे हम रन करते हैं। दिस इज आवर प्रोग्राम। As you see, answer is 3 and 3. I think now you got the answer why we use 0 as a starting index of an array.
Thanks for watching, guys. If you like the video, then like it and being a subscriber.